Hello friends, how are you? So let's continue with our RTP series that we have been discussing, and we are going to discuss about costing, and we have question number 7 on batch costing, RTP November 2020. चलो सर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बैच कॉस्टिंग. वैसे इटसेल्फ बहुत ही इजी चैप्टर है, और ये क्वेश्चन अगर ज्यादा से ज्यादा आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा. देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. सर, ए लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स मदरबोर्ड्स यूज्ड इन द स्मार्टफोन्स. अ स्मार्टफोन रिक्वायर्स वन मदरबोर्ड. एक स्मार्टफोन में एक मदरबोर्ड चाहिए. एज पर द स्टडी कंडक्टेड बाय द इंडियन सेलुलर एसोसिएशन, देयर विल बी अ डिमांड ऑफ 180 मिलियन स्मार्टफोन्स इन द कमिंग ईयर. वो कहता है इंडियन सेलुलर एसोसिएशन ने एक स्टडी की है, उसके हिसाब से जो आने वाला साल है, आने वाला ईयर है, उसमें 180 मिलियन स्मार्टफोन्स की जरूरत पड़ेगी. बहुत बढ़िया. ए लिमिटेड दैट इज दिस कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ मार्केट शेयर ऑफ 5.5% ऑफ द टोटल मार्केट डिमांड ऑफ मदरबोर्ड्स इन द कमिंग ईयर. अब वो कहता है कि सर, पूरे एक साल में 180 मिलियन स्मार्टफोन्स की जरूरत पड़ेगी. इसका मतलब है 180 मिलियन मदरबोर्ड्स की भी जरूरत पड़ेगी, और उसमें से ए लिमिटेड का शेयर कितना होगा, वो होगा 5.5% ओनली. तो मतलब क्या, ये जो 180 मिलियन है, इसका 5.5% जो है वो ए लिमिटेड का शेयर होगा, राइट. इट इज एस्टिमेटेड दैट इट कॉस्ट 6.25 एज द इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर बोर्ड पर मंथ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या दे रखा है सर. यहाँ पर हम लोग गलती करेंगे. हमें होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट कब चाहिए होती है, पर यूनिट पर एनम. इसने क्या दे रखा है, पर बोर्ड पर मंथ. तो यहाँ पे गलती नहीं करनी, और 99.9% स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे गलती करेगा. वो जो कैरिंग कॉस्ट है वो 6.25 लेके सर क्वेश्चन सॉल्व. एंड दैट द सेटअप कॉस्ट पर रन ऑफ बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग इज 33,500. जो सेटअप कॉस्ट है दैट इज 33,500. कंप्यूट द ऑप्टिमम रन साइज फॉर द बोर्ड. ईओक्यू की बात कर रहा है सर जी. वो कहता है ईओक्यू निकाल के दो. तो कॉम्प्यूटेशन ऑफ ऑप्टिमम रन साइज 2 × D × S/C. डी क्या है मेरे पास, एनुअल डिमांड. दैट इज 5.5% ऑफ 180 मिलियन. तो 99 लाख यूनिट्स जो हैं, दिस विल बी फॉर ए लिमिटेड, क्योंकि हमने तो ए लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से इवैल्यूएशन करनी है. तो ए लिमिटेड को एक साल में 99 लाख यूनिट्स जो हैं वो बनाने पड़ेंगे, राइट. सेटअप कॉस्ट हम लोगों को दे रखी है सर. सेटअप कॉस्ट कहाँ दे रखी है, ये दे रखी है 33,500 की. और जो होल्डिंग कॉस्ट है, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, आपको क्या दे रखा है, पर मंथ. तो 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स, ₹75. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, और ये एक ऐसा एरिया है जहां पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 99% स्टूडेंट जो है वो गलती करेगा. गलती क्यों करेगा, क्योंकि सर हम लोग क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते. दैट इज द बेसिक मिस्टेक दैट वी कमिट. हम लोगों को आदत क्या है सर, फटाफट से क्वेश्चन ऊपर से पढ़ा सर, काम खत्म, राइट. उसके बाद इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालनी है. तो 2 × Annual Demand दैट इज 99 लाख यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेटअप कॉस्ट दैट इज 33,500 डिवाइडेड बाय ₹75 दैट इज द इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट. तो 94,043 यूनिट्स आप लोग राउंड ऑफ करके ले सकते हो, क्योंकि यूनिट्स को पॉइंट्स में बनाना पॉसिबल नहीं है, राइट. सो इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू राउंड इट ऑफ. तो ये था सर पहला पार्ट जो उसने पूछा हमसे. सेकेंड में पूछता है, एज्यूमिंग दैट द कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 80,000 बोर्ड्स पर रन. वो कहता है कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी कहती है कि हम ये ईबीक्यू यूनिट्स नहीं बनाएंगे. मतलब एक बैच में हम लोग कितने यूनिट्स बनाएंगे, वो ईबीक्यू से हमने किया आइडेंटिफाई कि 94,000 यूनिट्स का एक बैच होना चाहिए. कंपनी कहती है कि हम लोग ईबीक्यू के हिसाब से नहीं चलेंगे सर, हम चलेंगे अपने हिसाब से, जिसमें उसने कहा कि हम लोग तो एक बैच में 80,000 बोर्ड्स बनाएंगे, राइट. हम लोग ईबीक्यू नहीं चलेंगे, ईबीक्यू के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, हम तो एक बैच में 80,000 यूनिट्स बनाएंगे. कैलकुलेट हाउ मच एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी वुड बी इनकरिंग एज कंपेयर टू द ऑप्टिमम रन सजेस्टेड इन वन अबव. तो उसके लिए करना क्या होगा सर, बैच साइज लिया 80,000 का, और ये लिया 94, दिस इज ईबीक्यू.
नंबर ऑफ सेटअप्स कितने हो जाएंगे, टोटल कितनी रिक्वायरमेंट थी 99 लाख यूनिट्स की, डिवाइडेड बाय एक बैच में कितने यूनिट, 80,000 यूनिट्स, तो आपको 124 बैचेस का सेटअप करना पड़ेगा। एक बैच की सेटअप कॉस्ट कितनी है, 33,500, दिस इज गिवन टू अस। तो 124 बैचेस की सेटअप कॉस्ट कितनी होगी, 41,54,000 की, राइट। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पे बात करते हैं। सर एक यूनिट को कैरी करने की कॉस्ट क्या है, 75 रुपीज, राइट। तो 80,000 का बैच जो कैरी करना है उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 80,000 × 5, और हम लोग लेते हैं सर एवरेज इन्वेंट्री, दिस इज एवरेज। एवरेज क्यों करते हैं, क्योंकि सर हम लोग सेम क्वांटिटी जो है वो थ्रू आउट कैरी नहीं करते, सो वी टेक द एवरेज क्वांटिटी बीइंग कैरिड, राइट। तो उसकी कॉस्ट क्या, 75, तो 30 लाख की इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी मेरे पास, 71,54,000 की, गुड आउट, ठीक है। अब यही चीज हम लोगों ने करनी है, जो ईबीक्यू निकाला था दैट इज 94,000 यूनिट्स का, उस पर हमने कहा कि कितने सेटअप्स होंगे, 99 लाख यूनिट्स की टोटल रिक्वायरमेंट है एक साल की, एक बैच में 94,043 यूनिट्स, तो मेरे पास कितने बैचेस का सेटअप करना पड़ेगा, 106 बैचेस का। एक बैच की सेटअप कॉस्ट कितनी है, 33,500, तो 106 बैचेस की सेटअप कॉस्ट कितनी होगी, 106 मल्टीप्लाइड बाय 33,500, 35,51,000 की। उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री कितनी, हाफ मल्टीप्लाइड बाय ईबीक्यू मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट, यही करते हैं हम लोग, तो यही किया। ईबीक्यू कितना है, 94,043 मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट 75 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द एवरेज, राइट। सो माय टोटल कॉस्ट इन केस आई मैन्युफैक्चर अ बैच ऑफ 80,000 यूनिट्स इज 71,54,000, और अगर हम लोग ईबीक्यू के अकॉर्डिंग चलते हैं तो कॉस्ट जो होगी दैट विल बी 70,77,612.5, ठीक है। तो कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है, दिस 71,54,000 माइनस दिस 76,387.5 की एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी अगर हम लोग ईबीक्यू पे बैच नहीं बनाते, अगर हम लोग 80,000 यूनिट्स का बैच प्रिपेयर करते हैं, क्लियर है। अब यहां पर गलती के चांसेस सुनो कहां कहां पर हो सकते हैं, जो आप लोगों ने अवॉइड करने हैं। एक तो मैंने बता दिया कि सर एनुअल डिमांड पे एक तो कर सकते हैं हम लोग कि 5.5% ना करें, 180 मिलियन के हिसाब से क्वेश्चन कर दे, पहली गलती जो कर सकते हैं। दूसरी गलती कैरिंग कॉस्ट पे करेंगे, उसने पर मंथ दी है, हम लोग पर मंथ को ही लेके हम लोग उसका ईबीक्यू निकाल देंगे, उसको पर एनम में कन्वर्ट नहीं करेंगे, जबकि हमें क्या चाहिए, पर एनम चाहिए, दूसरी गलती, ठीक है। तीसरी गलती क्या करेंगे हम लोग, तीसरी गलती जो कर सकते हैं वो ये कि यहाँ पर एवरेज करना हम लोग भूल जाएं, ये रेयर चांस है, ठीक है, ये तीसरी गलती के चांसेस बहुत रेयर हैं कि ऐसी गलती होगी, लेकिन पहली दो गलती के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं साथ साथ में बताता हूँ ना कि आपको कहाँ पर आप लोग गलती कर सकते हो, इस चीज़ को स्पेसिफिकली नोट करो, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में जब आप क्वेश्चन करोगे ना एकदम से स्ट्राइक करेगा, सर ने बताया था ये गलती कर सकते हो, क्या मैं वही गलती तो नहीं कर रहा, राइट। सो इट कैन सेव यू मार्क्स। मैं अपने स्टडी मटीरियल डिस्कशन कोर्स में भी बार बार बताता गया कि कहाँ कहाँ पर गलती के चांसेस हैं, ठीक है जी। तो इसके साथ हमारा बैच कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन था दैट इज ओवर। 5 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा, राइट। मैक्सिमम 5 मार्क्स, एक छोटा सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं सर, एक जॉब कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सर, 10 मार्क्स का या 8 मार्क्स का क्वेश्चन, वो आराम से बनता है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, ईजी है, मुश्किल नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सर मुश्किल है, बट बहुत ही ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसमें जो हम लोगों को डिस्कस करने हैं, राइट। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक यू सो मच।